आखिरी फोन आया 1:30 बजे ना, टाइम होया 2:47 पर मुझे खबर हुई कि उधर से उधर धमाका हुआ। 5-10 मिनट गुजरे थे, उस तो बाद उन्हें ना दोबारा खबर लगी कि शहीद हुई है। मोहम्मद बशीर मुर्शिदाबाद कश्मीर के रिहायशी थे। वो एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के फराइज सरंजाम दे रहे थे कि एक दिन ड्यूटी के दौरान एक खुदकुश हमले के नतीजे में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। मरहूम के सोगवारों में 4 बेटियां, 2 बेटे और बीवी शामिल हैं। उसकी ये बहुत ख्वाहिश थी कि मुझे गरीब को देख के बहुत तरसा था, क्योंकि वो खुद भी गरीब था। जैसे कि मासूम बेटा होता है, ऐसे वो जब बूढ़े भी हो जाएं तो वो वालदैन के लिए वो उसी हालत में नजर आते हैं। इखलाक उस पर ख़त्म था, बहुत खुश इखलाक था। उसकी जब यादें आती है तो हमें तो सब कुछ बोल जाता है कि क्या करें, हम किधर जाएं, वो हमसे किधर चला गया। उस तरह दिन जड़ा था, बहुत दिल जड़ा परेशान था, बहुत घबराहट था। कोई समझ ना सी यश नहीं कि यो क्या हो या ना हो, कह रही कहते थे कि मैं 13 तारीख को आऊँगा और 13 तारीख को उस हालत में आए कि हमसे बात नहीं कर सकती। मेरे उस बहादुर उस भांजे ने जो है वो ऐसी बहादुरी दिखाई कि वो उसको गेट से बाहर लाया, फिर उसका हाथ छुड़ाकर फिर वो अंदर चला गया, फिर उसने उसको वहाँ से भगाया, नीचे ज़मीन पर उसको दबोचा। उसने कहा कि आगे से हट जाओ, मेरा मिशन है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, आप अपनी जान को बचाएँ, पीछे हो जाएँ। लेकिन उसने कहा मेरी ड्यूटी है, अंदर नहीं जा सकते, मैं जान दे सकता हूँ लेकिन आपको अंदर दाखिल नहीं होने देता हूँ। उसने इस कौम की खातिर, वतन की खातिर अपने टुकड़े जो है जिस्म के फजा में बिखेर दिए। उन्हें कोई एहसास नहीं आया, मेरे बेटनियों बोटियाँ उड़ रही, माऊ का डिठा माऊ बक्से बिच बंद कितना ना डिठा। वहाँ फोन पे हमें खबर मिली कि वहाँ इस्लामाबाद में धमाका हुआ और हमारा वो भांजा थोजा मोहम्मद बशीर, मलिक मोहम्मद बशीर, वो ज़ख्मी हो गया। तो फिर हमने वो फ़ोन पे रब्ता करते रहे लेकिन वो टावर पे बिल्डिंग जाती रही, लेकिन फ़ोन कोई उठा ही नहीं रहा था क्योंकि वो मौके पर ही वहाँ शहीद हो गया। जब उसकी डेड बॉडी को हमने सुपुर्द खाक किया, ये सब बच्चे दौड़ के उधर चले गए। उसकी वालदा जो वो उधर बेहोश थी कब्र पे, वालद बेहोश था, उसकी बीवी बेचारी वो बेहोश थी, और बच्चे ऐसे वो जो है चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि हम अबू के साथ जाएं। वो बंदे मैं इसके मैं कहता लभी अच्छे ने ते उन्हें कि मैं जीने जिस तरह चीज़ बंदा कोई खाना उस तरह मैं उन्हें की खाऊं। सबके माँ बाप जो हैं वो शहरों में जाते हैं, कोई अपने बेटे के लिए कोई खिलौना लाता है, कोई कोई चीज़ ले आता है, तो ये बेचारे देखते हैं हमारे अबू कहाँ गए। माड़े वास्ते बहुत बड़ी मुश्किल थी, मुझे बच्चे रोने यहाँ मामा हमें अबू ना इतना काट लगा नू कि अबू नू कुत्थे गए थी। मैं वो पिंडी गए ने वो नौकरी करने, फिर अबे वो बोला ना असें अबे ना काट लगा ना, तो किया नहीं अशने मूँह।